जी खुश आमदीद एक बार फिर नाज़रीन और सादत रमज़ान में हम आपके साथ मौजूद है वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और अभी जो मेरे साथ मेहमान है सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊँगी, ईद का सीज़न आने वाला होता है तो ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी शॉपिंग की जाए जो आपकी ईद के दिन में भी इस्तेमाल हो और ईद के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकें। तो ज्वेलरी जो है वो ऐसा एक आइटम है जो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप रमज़ान के दिनों में बहुत सारे इफ्तारियों के भी आपको मौके होते हैं जहाँ पर जाना होता है, तो अपने आपका भी ख्याल बहुत ज़्यादा रखें क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के दिन है, तो इस पर अपने आप को भी बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा और अच्छा ग्रूम रखें। तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी राबिया शेख से। अस्सलाम वालेकुम ज्वेलरी डिज़ाइनर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोभा तशरीफ लाने का। और हमारे साथ सब कभी कभार कहते हैं कि बड़े फाइनेस्ट एंकर्स होते हैं, तो ये वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एंकर हैं और साथ में बहुत ही अच्छे एक्टर क्योंकि वर्सटाइल एक्टिंग भी करते हैं। बहुत ही कम टाइम हुआ एक्टिंग में, एंकरिंग में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आते ही इन्होंने अपने आप को मनवा लिया क्योंकि ऐसे वर्सटाइल लोग बड़े कम दुनिया में आते हैं। जो कहते हैं ना कि बने बनाए लोग होते हैं, ये उनमें से बने बनाए एक्टर हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी इमरान हसन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, यू डिज़र्व, मैं आपकी हमेशा ऐसी तारीफ करती रहती हूँ। पीटी में हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा था, हमारे कोलीग भी थे और माशाल्लाह से आप बड़ा अच्छा काम भी करें, इकॉनमी ऑन फोकस आप शो भी करें और अब तो ड्रामों में आहिस्ता आहिस्ता छाते चले जा रहे हैं। भाई क्या बात है आपकी। और मेरे साथ हमारे शो का हिस्सा हमारी बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं, शेफ़ दुरे शहवार, इनसे मुलाकात करेंगे डालडा के किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। आज बड़ी क्यूट क्यूट लग रही हैं। वैसे होता ही है ना कि कभी कभार बड़ा ज़्यादा तैयार होती है, आज क्यूट क्यूटनेस आई हुई आप में ना, है ना? तो क्या आप क्यूट क्यूट क्या बनाने वाली हैं आज? आज मैं बना रही हूँ चिकन पॉकेट्स। चिकन पॉकेट, ये क्या होते हैं चिकन पॉकेट? एक मतलब चिकन इन अ पॉकेट समझ ले, एक ये बात हो सकती है, पॉकेट सी होगी, चिकन को जेब में डाल लें। यस, जेब भर के लेकर जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अपनी जेब को नहीं भरना, हमने इसकी पॉकेट्स बनानी है। अच्छा, रोल पॉकेट्स होंगी। ओके, मैं समझी कि हमें अपनी जेब देनी पड़ेगी और फिर क्या पता इतना पसंद आ जाए जेब में भरनी पड़ जाए, है ना? कुछ पता नहीं होता, वो अक्सर शादियों में लोग सोच रहे होते हैं कि जेब में भर कर लेकर जाओ, वो अलग से शॉपर लेके जाते हैं ना बैग में। तो ऐसा करें, वहाँ चले इमरान, जरा चेक करें आज, जरा आपको हम दिखाते हैं। खवातीन तो जाती ही रहती है किचन में, तो क्यों ना हम इमरान को आगे लेकर चलते हैं। वैसे इमरान किचन में जाते रहते हो या नहीं? मैं जाने का। अच्छा, कभी कभी आप चले जाते हैं? कोशिश करता हूँ मैं। कुछ कभी बनाया जिंदगी में? मैं वैसे तो नाश्ता खुद बनाता हूँ आजकल, सो नाश्ते के अलावा मुझे कुछ खास बनाना नहीं आता, बट आई ट्राई एंड आई लव टू डू कुकिंग एक्चुअली। अगर चलो आज तुम पूछो इनसे कि क्या क्या इसमें डाल रहे हैं, क्या हो रहा है। चिकन नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये चिकन मैंने जी हाँ मैरिनेट नजर आ रही है, चिकन मैरिनेट किया है मैंने, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये मतलब अपनी सीजनिंग पे आप देख लेंगे कितनी मिर्चें रख दी हैं मैंने इसमें, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और रेड जो क्रश चिली होती हैं वो भी डाली। इमरान का इम्तिहान ले रहे हैं, मतलब तो वाइट पेपर कौन सी है? I think this one. Oh, जवाब आपका दुरुस्त है। अच्छा बताओ, दीजिए कोई मुझे टीवी वगैरह, कोई बाइक शेक नहीं देते आप? यार इतनी बड़ी तुम से मोहब्बत प्यार दे रहे हैं तुम्हें, बस ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बताओ कि मेयोनीज और क्रीम कौन सी है? अच्छा, ये मेयोनीज है जी और क्रीम, नहीं ये क्रीम है राइट? हाँ ये मेयोनीज है। गुड गुड गुड, अच्छा ये मैरिनेट करके मैंने रख लिया था। किस किस चीज इसमें? इसमें बोनलेस चिकन है और इसमें मैंने जो है थोड़े थोड़ा सारा कुछ स्पाइसेस डाले हैं जरा से, और साथ इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस वो भी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और इसको हाफ एन आवर के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। ठीक है, अब मैं जरा हम अपना कोल्सलो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने बारीक जो है, तो कोल्सलो इसके साथ खाया जाएगा क्या? हाँ हाँ, इसमें डलेगा, इसमें ही डलेगा, इसी पे डलेगा। तो यार बड़े मजे के, ये थोड़ी सी देखिए मैंने बंद गोभी जो है बारीक बारीक काट ली थी, इसमें जो है मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है, ऑल दो नाजिया यू डोंट नाजिया You don't like all these things? नहीं नहीं, ये खा लेते हैं। ये तो मेरे में काफी सॉरी सॉरी काफी मोटापे वाला स्टफ है ना। हाँ, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभार चलता है, कभी कभार नहीं है। हाँ, और क्या, कभी कभार खा लेना चाहिए। और चीज भी इसमें डालेंगे, ये मतलब आप चीट डे पे खा सकते हैं? चीट डे में आप खा सकते हैं बिल्कुल, ऐसा आजकल तो रोज ही चीट डे हो रहा है हमारा। अच्छा, आप रमजान में सब कुछ माफ होता है? रमजान में माफ होता है, रमजान में फैट्स भी माफ होते हैं। अच्छा, आप पूरे दिन फैट्स भी गायब हो जाते हैं ना फिर? आप पूरे दिन जो भूखा रहते हैं तो फिर वो तो फिर कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ती है किसी ना चीज की खाने की। अच्छा राबिया, आप घर में कुछ अच्छा बनाती हैं क्या? नहीं, नहीं कुकिंग का बहुत शौक है। इनफैक्ट मैंने पूरा फूड एंड बेवरेजेस का कोर्स भी किया है, और मैं ये पूछना चाह रही थी इनसे
कि ये चिकन आपने थोड़ी सौते की है या बॉइल की है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया, अभी ऐसे ही है बस। ये सिर्फ 30 मिनट के लिए मैंने मैरिनेट किया है, बाद में इसको जो तो है वो आप इसको बहुत डीप फ्राई करेंगे? नहीं, वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, व्हाइट मीट बहुत जल्दी गल जाता है। हाँ, और जब आप उसमें नमक, नमक जो है ना ये भी मेन इन्ग्रीडियंट होता है गोश्त को गलाने के लिए, तो जब उसमें नमक डल जाए ना तो फिर आप इसको हल्का सा भी फ्राई करेंगी तो वो गल जाएगा। सुन लो इमरान, काम आएगा फिर ये नमक, जल्दी गोश्त गलाना हो तो आपने नमक उसमें डाल दो, अच्छा टेंडर। और अगर दाल ना गल रही हो तो क्या करना? हाँ, दाल कहीं ना गल रही हो तो दाल गल रही ना, आप चम्मच ना चलाएं, जब दाल चढ़ाएं तो चम्मच ना चलाएं। अच्छा जी, ना चलाएं अच्छा, और आपकी दाल, ये वैसे कौन सी दाल, कौन सी वाली दाल की बात कर रहे हो? उन्होंने दोनों ही बता दिए कि आप चम्मच ना, चम्मच ना, चमचा ना, चम्मच ना बने, चमचा ना बने, वैसे चमचा बने बगैर भी। और सबसे अच्छी बात होती है कि आप स्टील का चम्मच जो है वो यूज ना करें, वुडन स्पून यूज करें। हम किसी और दाल गलने की बात, हाँ मैं समझ गई, लेकिन उसमें चम्मच जो है ना वो कह रही हूँ, देखिए ये भी अकलमंद है, उसमें चम्मच काम आएगा। अच्छा जी, अब ये जो है रेसिपी में डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगी, और उसके बाद फिर आप बताएगा कि क्या क्या रेसिपी इस्तेमाल होगा। क्या इमरान बनाते हो घर में खुद? अच्छा, कोई मैंने आपको बताया कि मैं अंडा बड़ा अच्छा फ्राई करता हूँ, मतलब मुश्किल वक्त में यही काम आता है। हाँ, अंडा ही फ्राई करता हूँ। अच्छा, ऑमलेट वगैरह में बना लेता हूँ। ऑमलेट एक रेसिपी बताओ, चलो चट को एक रेसिपी ऑमलेट की। यार ऑमलेट आप बस अंडे, दो अंडे ले लें और थोड़े प्याज ले लें, टमाटर ले लें और सब ले लें, उसको सबको इकट्ठा मिक्स करें, मैश करें, ऑमलेट बना लें एंड खाएं। सबसे ज्यादा दिस इज द इजीएस्ट थिंग, एंड आई थिंक अगर मेरी जिंदगी में, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर अंडे ना होते तो शायद मैं ही ना होता हूँ। क्या होता? मैं अब तक जो हूँ इसमें 70% अंडों की वजह से मैं खड़ा हूँ। मेरी भी बड़ी आसानी होती है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि अब क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्रोटीन ना, तो मैं अक्सर जैसा शोज में कुछ हूँ तो मैं पकाने का टाइम पे तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ क्या करेंगे, कहते फिक्र ना करो कबाब और अंडे मैं वो खा लूंगा ना, तो मेरे भी जिंदगी और चिकन इज ऑब्वियसली एक और बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन चिकन हम नॉर्मली चूंकि हम लड़के थोड़ा अवॉइड करते हैं किचन में जाने से, मुझे लगता है कि बहुत आसान है ये बनाना। अगर बनाए तो बहुत इजीली इसको बनाते हैं। फिश है, चिकन है, ये फौरन से जो है रेडी हो जाता है। चलिए आप इसको पकाएं, हम चल के बैठते हैं और इमरान थोड़ी बहुत गपशप भी करते हैं, ठीक है ना? एंड आई होप कि अच्छा बने तो फिर हम खाएं भी है। नहीं नहीं बिल्कुल खाएंगे, इफ्तारी हमने इसी से करनी है और क्या। तो ये बड़ा अच्छा भी बनाती है, बहुत अच्छी इनकी इफ्तारी होती है, तो जैसे तुम बनाती जाओ ना हमें बीच में बताती जाना कि ये आप करने वाली हैं। ये मेन थिंग है, इम्पोर्टेंट, जो जैसे मेन थिंग इम्पोर्टेंट चीज आप करेंगे आप हमें बताएं। तो कैसे रमजान गुजर रहे हैं, क्या होता है रमजानों में? अभी तो मेरे ख्याल में आपको कोई एग्जीबिशन वगैरह भी होने वाला है। जी हमारा एग्जीबिशन 29 को है और उसके आगे भी बहुत दो तीन और एग्जीबिशन हैं, तो उसका भी काम है, साथ सहरीज भी अटेंड कर रहे हैं, वफ्तारियाँ भी कर रहे हैं। मजा आता होगा एग्जीबिशन में ना, बस सब लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं तो आप एंजॉय करते होंगे कि कम से कम ट्रेंड भी काफी हो गया एग्जीबिशन का, काफी ज्यादा लोग जाते हैं, पहले लोग इतना नहीं जाते थे, अब ट्रेंड काफी हो गया। अच्छा ये भी हो गया कि आपको एग्जीबिशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज मिलती है, होता ही है कि लोग जब मार्केट में जाएं तो शॉप में आपको एक यूजुअल चीज मिलेगी, लेकिन वहां पर इतनी वैरायटी होती है। और अच्छा वो खवातीन जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, जो जिनके पास शॉप नहीं है, वो ज्यादातर वो एग्जीबिशन लगाते हैं, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ा पैसे वाला काम भी है पाकिस्तान में, कमर्शियली भी बहुत अच्छा, कमर्शियली भी अच्छा है। लोगों को अगर थोड़ा इसका करने का पता हो कि किस तरीके से करना, मार्केटिंग टूल्स कौन से यूज करने, तो इट्स अ गुड बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। लेकिन ज्वेलरी अब जैसे आप पहले तो हम पहनते थे, अब हम कपड़ों पे भी लगाते हैं, इस दफा हमने कपड़ों पे भी बहुत लगाए। अच्छा, ये नया ट्रेंड है, ब्रोचेस या पूरे पूरे आप उसकी मालाएं पूरे पूरे हम कपड़ों पे फिक्स करते हैं, और इसलिए जरा और ज्वेलरी का ट्रेंड ज्यादा हो गया, अब कपड़े वाले भी हमसे आप शोरों का जीना और मुश्किल कर रही हैं, जेबों पे और भारी कर रही हैं। इमरान अभी तुम पर ये नहीं गुजर रही है, बाद में हम लेकिन मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता, अभी से तुमने समझ आ गई कि ये चीजें हैं जो करनी होती हैं। एटलीस्ट एहसास है मुझे कि क्या गुजरती होगी, और आगे ईद आ रही है, आपने खुद भी जिक्र किया, ईद पे तो वैसे ही बड़े खर्चे होते हैं, वैसे मर्द हजरात के भी तो खर्चे होते हैं। नहीं मर्दों बेचारों के क्या, चांद रात को जाके एक कुर्ता खरीद के पहन लेते हैं, चप्पल पिछले साल की पहन लेते हैं, वो भी फोर्स करना पड़ता है, प्लीज ले रहे हैं, ले आए, मर्दों को तो कोई खर्चा नहीं होता। मैंने पता है आज 10वां रोजा है, सॉरी टू कट यू, आज 10वां रोजा है और आज से खवातीन
जो है ना वो घरों में कम और मार्केट में ज्यादा। आज 10वां रोज है, मैं 10 दिन पहले मटेरियल लेके आई थी अपने बेटों के लिए कि प्लीज मेरे साथ चलो अपना नाप ले लो। अब वो 10 दिन से मुझे यही बोल रहे मामा कल चलेंगे परसों चलेंगे अभी नहीं चलेंगे। हम बड़े इजी गोइंग होते हैं। मैं तो आज हमारा मैच है, आज हमने टीवी पे मैच देखना है, बस वो मैं यही सुनती जा रही। तो ये लड़के जो होते हैं उनके लिए तो होता ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। मैं चाह रही हूँ की जरा डिफरेंट चीज पहने, उनके लिए मैंने कफलिंग भी आजकल नाम वाली जो कफलिंग। लड़कों को आप नहीं कह सकते आप डिफरेंट चीज मिल जाती है ना उनको जाकर बनाने में जो है ना वो चिढ़ाती हूँ, कहती है अम्मा जाके आप खुद ही बना ले, हम नहीं। लेकिन साइज का फिर इशू होता है ना, मैं ये साइज लेके जाऊँ, अब ट्रैवलिंग पे भी जाओ अगर इनकी टी शर्ट ले जाओ वापस लेके उनको आती ही नहीं, और फिर उनका दिल भी नहीं करता पहनने का, फिर मेरा दिल नहीं करता उनको किसी को देने का इतनी महंगी महंगी शर्ट। एग्जैक्टली। और इमरान कैसे रमजान गुजर रहे हैं, क्या आपकी रूटीन है? माशाल्लाह से ड्रामास बड़े ज्यादा कर रहे हो और सुना है कि कल आपके एक नए ड्रामे की भी शूट आने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इट वाज अ सरप्राइज, बट आपने सरप्राइज खोल दिया, रिवील कर दिया। बिल्कुल, ड्रामास की शूटिंग अभी तक रमजान में तो नहीं थी, लेकिन अभी एक ड्रामा जो मेरा चल रहा है उसके शूट्स अभी दोबारा शुरू होने वाले हैं कुछ गैप के बाद। तो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि शायद ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म नहीं हो रहा, वो भी आगे चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली लोग उसको बड़ा पसंद करें अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये है कि रमजान में चूंकि शूट नहीं था, तो पहले तो रमजान के रोजे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन आगे थोड़े से मुझे लग रहा है, लेकिन अब चूंकि बॉडी रमजान के मुताबिक एक यूज टू हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम शायद ना हो। बाकी है कि कराची में रोजे बड़े हार्ड थे पिछले 3-4 दिन, बहुत शदीद गर्मी थी, मैंने देखा खासतौर पर वो लोग जो कि रोजा रख के बाहर जिनका फील्ड वर्क होता है या जो लोग बाइक्स पे होते हैं, कराची में बहुत लोग बाइक्स पे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। बट आगे आई होप एंड प्रे कि अच्छा आज आपको पता है कि आज तो रेत का तूफान है, बार बहुत ज्यादा रेत है, मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकाली तो पूरी मटकी से भरी हुई। दो अंडे इसमें डाले, नमक, लाल मिर्च, ठीक, और चेडर चीज जो है मैंने इसमें डाला है। अच्छा, चेडर चीज उसमें डाल दिया है। ओके, ओके, इसमें ओके, भी चेडर चीज है, और मैंने ये पेस्ट सा बनाया है मैदा और पानी डाल के ना पट्टियों को जोड़ने के लिए, सही। अब बस इसलिए अब मेरा ये चिकन भी तैयार है और अब मैं थोड़ी देर में फिलिंग स्टार्ट कर रही। चलो सही। इमरान ने बोला कि आजकल इतना हीट वो है, तो उसमें अफतारी में मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ी नई नई ड्रिंक्स बनाने की कोशिश। क्या कोई एक नई ड्रिंक का बताएं? वो बहुत अच्छा होता है, आप पुदीना के वो लें पत्ते और उसमें नींबू डालें और कोई भी फ्रिजी ड्रिंक उसमें डाल लें एंड में जब, तो वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। मेरे तो बच्चे हर वक्त मुझे बोलते रहते मामा ये पिला दे, यही वाली ड्रिंक बना। अच्छा, आपके जो इस्लामाबाद से हो ना, वैसे तो ये भी इस्लामाबाद से आई है, अच्छा, बात भी। हाँ, तो आज इस्लामाबाद और हम सब जो है स्टार भी हमारा सबका पाइसेस है, तो हम जो आज इस्लामाबाद और पाइसेस समंदर के शहर में है तीनों। अच्छा, तो वहाँ पर मौसम जो है वो मैंने सुना जरा ठंडा ठंडा बेहतर, मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद में तो बारिश हुई पिछले इवन रमजान के अंदर, जब रमजान शुरू हुए तो बड़ी अच्छी बारिश हुई, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें रात को ठंड लग रही थी और लोग ऊपर ब्लैंकेट वगैरह बाकायदा ले रहे थे। तो इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा होता है, मतलब 2-3 दिन अगर गर्मी रहे तो फिर बारिश हो जाती है। तो वो जब भी अम्मा से बात होती है तो वो पता लगता है कि जी बारिश होने वाली है या हो रही है, अक्सर हाँ वो गर्मी की वजह से तो बहुत परेशान हो गई। मैं भी चीज वॉचिंग देख रही हूँ, ये देखें बारिश हो रही है ये देखें, और हाँ वो हम मैं तो स्नैपचैट पे देखता हूँ ना, स्नैपचैट पे नजर आते हैं क्योंकि बारिश होती है सब लोग कैमरे निकाल लेते हैं और पूरी कॉम स्नैपचैट पे आ जाती है, सो स्नैपचैट पे पता लगता है। वो ब्लेस्ड है ना, इसलिए सबको बताते हैं। हाँ कि बाकी यार सारे शहर, लेकिन आप लोग कराची में दरख्त भी तो नहीं लगाते ना? कराची में दरख्त हमें देखने को नहीं मिलता, जो हमें देख रहे हैं वो दरख्त तो लगाए कराची में। जब आप दरख्त काटेंगे 2 लाख दरख्त, आप रीडिंग सामने 2 लाख दरख्त पिछले 4-5 सालों में कटे कराची के सराउंडिंग के अंदर, जब आप इतने दरख्त लगाएंगे भी नहीं और काटेंगे तो बारिश कहाँ से होगी? आप कभी इस पे शो जरूर कीजिएगा। और दूसरे के कार्नोकॉप्टिस जो लगा हुआ है, दैट्स सो डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस। मुझे याद है कि मैं पहले जब वक्त न्यूज पे शो किया करती थी उस वक्त मैंने ये बात बोली थी, एंड इट्स बीइंग 8 इयर्स, उस वक्त ये बात मैंने बताई थी कि कार्नोकॉप्टिस प्लीज हटवा दें इसको, किसी तरह से कुछ कर दें। लेकिन आज भी वो कराची से नहीं हटे हैं और वो दिन ब दिन और ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होते चले जा रहे हैं। बहुत पानी भी वो पानी सक करते हैं जमीन का। हाँ, ये जो जो पानी वाले इलाके हैं ना, जहाँ पर समंदर के करीब जो एरिया था, चलो ठीक है वहाँ के नीचे पानी होता है तो समझ आती है, लेकिन उसके कुछ ऐसे जहरीले जो उसके जो है ना क्या एंजाइम्स होंगे या क्या होंगे जो छूटते हैं दरख्त से, कि आप ये देखें कि उस दरख्त पे कोई भी चिरिंद परिंद नहीं बैठेगा,
इतने खतरनाक ये देखिए पॉकेट बन गई अब एक पॉकेट अब हमें सामने बनाकर दिखाएं ना अब हाँ बॉक्स पैटीज भी कह सकते हैं ना हाँ ये देखें ये समोसा पट्टी है एक मैं ये हमने क्रॉस में रखना है क्रॉस में ये मैं सोच रही हूँ ये इतना सारा मवाद आएगा किस तरह से इसमें ना ये देखें ये मैंने इसको ये ऐसे हम रखेंगे ठीक है ना इसके और लेकिन पहले हम यहाँ पे इसको स्टिक कर लेंगे ठीक है थोड़ा सा ये लगा के ये स्टिक कर लिया अच्छा सर मैं एक 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 बनाकर भी जरा दिखाती हूँ एक सेकेंड हाँ श्योर मैं आपको बताती हूँ आप बनाइए ठीक है ठीक है चलो इसको हमने क्रॉस में कर दिया है करके स्टिक कर दिया ठीक है अब हम इसमें क्या डालेंगे हम इसमें केचप थोड़ा सा जरा इसी में लगाएंगे ठीक है इसमें केचप भी लगा दिया थोड़ा कोर्स बनाएंगे ना हम इसका ठीक है अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा चैटर डालेंगे ठीक है ऐड सम चैटर चीज़ इन इट थोड़ा सा डाल देते हैं इतना सही है हाँ ठीक है इतना हमने डाल दिया ठीक है अब इसमें क्या डालेंगे और इसमें चिकन डालेंगे ओके यूज़ नहीं सिर्फ डाल लेते हैं ना कोई इतना सही है चिकन हाँ। ज़्यादा नहीं फिल करेंगे वरना वो फटने लग जाएगा है ना लग जाएगा हाँ। फिर हमने जो अपना कोल्ड स्लॉ बनाया था कोल्ड स्लॉ डालेंगे कोल्ड स्लॉ और फिर अब इसको हम रैप कर देंगे अच्छा थोड़ा सा चलो कोई नहीं ठीक है इस तरह से आप रैप करके दिखाएं कैसे रैप हो गई पहले हम एक साइड का क्या काम होगा इसमें एग को हम डिप करके फ्राई करेंगे एग डिप और फिर इसे पहले एग में करेंगे फिर ब्रेड क्रम्स में करेंगे फिर थोड़ा सा मैदे में फिर लगाकर और फिर इसको क्रिस्पी फ्राई फिर ही तो वो जरा थिक और क्रिस्पी बन जाएगा और अंदर चीज भी है तो वो जरा चीजी भी हो जाएगा चीजी भी हो जाएगा एक साइड हमने ठीक है अब ये हम इसके ऊपर दूसरा लेयर दूसरी लेकर आएंगे फिर हम इसके ऊपर फिर ये लगाएंगे सही है ताकि वो हर जो है ना वो अच्छी तरह से ये हर तरह से बिल्कुल पैक हो जाएगा ये लास्ट हमारी लेयर है ठीक है इसको हम ऑल एंड ये पॉकेट बिल्कुल तैयार है इमरान सीख लिया राबे सीख लिया जबरदस्त हो गया ना है ना चलने से इसी तरह ये सारी पॉकेट बनाएंगे और हम इसको बॉक्स पैटीज कहते हैं अच्छा बॉक्स पैटीज कहते हैं ओके इसमें मशरूम्स भी डाल दें ऑलिव्स डाल दें गुड वैसे बड़ा अच्छी रेसिपी है ये वाली ना हाँ जी मर्जी है आपकी फीलिंग आप पे डिपेंड करती है कि आप कबाब हो गए समोसे या इस टाइप की चीजें जितनी भी है ना ये बैचलर्स के लिए बाकी बड़े मुझे लगता है कि बैचलर्स लाइफ कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मुश्किल रही नहीं है जितनी नई चीजें मार्केट के अंदर आ गई आप अगर जाएं इतने नए नए ब्रांड इंस्टेंट फूड बहुत मिल जाता है रोटी से लेकर पराठा वो नहीं होता हेल्दी जितना लेकिन ये मसाले वगैरह मिल जाते हैं आपको अगर कुछ पकाना भी है तो वो मसला नहीं आपने बस सिर्फ दही डाला आपने अदरक लहसुन डाला चिकन YouTube is there YouTube you can get the recipes from YouTube रेसिपीज ले रहे हैं इवन आपको रेसिपीज मसालों वाली चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी ना तो वो बड़ा इजी हो जाता है तो खैर ये तो हमारी रेसिपीज वगैरह की बात होती रही है ये बताओ रमजान में क्या अच्छी चीजें जो है देखने को मिलती हैं लोगों में रवैये कैसे आपको लग रहे होते हैं कुछ दोस्तों में बड़ी लड़ाई झगड़े किसी ने कोई नहीं मेरे माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है कि तकरीबन तकरीबन जितने जो दोस्त हैं वो सारे ही रोजे रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा आजकल लोगों ने रोजों को थोड़ा आसान भी कर लिया लोग बड़ी आसानी से रोजा छोड़ देते हैं ये नहीं करना चाहिए लेकिन यंगस्टर्स खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो बगैर किसी रीजन की ताकत होती है वो रखे रोजे हाँ बिल्कुल रखना चाहिए और ताकत नहीं भी है तो ट्राई करना चाहिए रोजा है ही इसलिए कि वो आपको थोड़ा ट्रेन करे आपको थोड़ा आपके अंदर वो पेशेंस आना चाहिए और मेरे ख्याल में जब आपकी बॉडी को 11 महीने के बाद इसे एक ब्रेक चाहिए होता है आपके स्टमक को आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है मेडिकली कोई डॉक्टर होते हैं तो वो बताते हैं बट आई फील इज कि आप बहुत से लोग जो वेट कॉन्शियस होते हैं उनका वेट कम होता है रमजान के अंदर इट एक्चुअली हेल्प्स तो जो दोस्तों की आपने बात की होता है कि समटाइम्स टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है तो आजकल वो चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है गैजेट्स हैं व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स में आप चैट कर रहे हैं चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो उससे वो अच्छा कट जाता है टाइम फिर उसके अलावा कुछ लोग बहुत ज्यादा चूंकि इस्लामिक चल रहे होते हैं दे डोंट वॉच मूवीज एंड स्टफ कि वो कहते हैं नहीं हम अवॉइड करते हैं जी रोजों में हम क्यों देखें तो उससे थोड़ा बोरिंग हो जाता है रिलीजियस जो आपके शोज आ रहे होते हैं आप वो देखें अच्छी अच्छी बातें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है वैसे देखना जिस किस्म के रिलीजियस शोज आ रहे होते हैं आई थिंक दिस इज अ लाइट काइंड ऑफ अ शो इट्स गुड बट टू वॉच अ रिलीजियस शो जिसमें हार्ड कोर इस किस्म की बातें हो रही होती है कि चार फिका के लोग बैठे हुए हैं और उसमें वो आजकल तो मुखालिफत लोग शुरू करते हैं हम लोग तो आप हमारे अगर शो में देखें ना तो हम लोग इतनी ऐसी बात करते हैं जो माशरे में
अपने अंदर इंसान के अंदर तब्दीली आए, अच्छे 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 हुए। मुझे ऐसा लगता है कि चार लोग अगर सेट पे बैठे ना किसी भी चैनल के, सभी चैनल ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चार डिफरेंट इस्लाम बैठे हुए। चैनल ये करके दिखा रहे हैं कि अच्छा जी इस तरह नहीं दिखा, ये आपका इस्लाम, ये आपका इस्लाम में क्या आपने मेन्यू दिया हुआ है क्या? इस्लाम तो सबके लिए एक है, बिल्कुल, और एक तरीके से, और वो मतलब डिफरेंट तरीके से लोगों को पोर्ट्रेट करें, इस्लाम ये नहीं है। मेरे ख्याल में इसका नुकसान होगा हमें। नहीं, आप अच्छे अच्छे देखें, जिस तरह हमने भी बताया अभी कि हम हमेशा जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, लाइफस्टाइल बेहतर हो, अच्छे तरीके से आप बात करें और अच्छी बातें जो है लोगों तक पहुंचाएं भी। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीदेगा आप फिर सादत रमजान में, हम आपके साथ मौजूद हैं और बातचीत चल रही है जबरदस्त ही। हमारे साथ राबिया शेख मौजूद हैं इस वक्त, वो ज्वेलरी के हवाले से बता रही हैं और आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं। और नेचुरली बात है कि ज्वेलरी एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी आपकी पुरानी नहीं होती है। मेरे पास तो 10-10 साल से ज्वेलरी रखी हुई है और मैंने उसको कभी भी, अभी ये राबिया ने जबरदस्ती मुझे अंगूठी पहनाई, कहती है पहने, ये डिफरेंट अंगूठी है, आपको पहननी पड़ेगी, बाकी देखिए इसको जब हम रगड़ेंगे तो फिर जिन आ जाएगा इसमें, वही वाली है ना, किसी को गुस्सा चढ़े तो उसको मार बहुत खूबसूरत अंगूठी है माशाल्लाह से। अच्छा, और यही बात होती है, अच्छा लड़के ज्वेलरी पसंद नहीं करते ना, लड़कों में से वॉच एक अच्छी सी, रिस्ट वॉच इज फाइन, कुछ लोग एक्सेसरीज पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, बट मुझे लगता है शादी के बाद पहनते हैं, शादी मंगनी मंगनी की होती है, शादी से पहले नहीं पहन सकते। आई हैव नो आइडिया, मुझे लगता है कुछ लोग पहनते हैं, वो पहनते हैं, स्टोन धारा की होती है तो वो पहन लेते हैं। मैं भी स्टोन से सफायर है, मैं भी बड़ा अच्छा उसको पहन के रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो एक होता है अपना, एक ट्रेंड होता है। देखिए लड़कों को ज्यादातर जो शौक होता है ना ग्रूमिंग का, वैसे आपको ग्रूमिंग में क्या सबसे पसंद है, कि हेयर स्टाइल चेंज हो, कपड़े, वैसे मैं तो बड़ा इजी गोइंग आदमी हूँ, मुझे तो लगता है कि बस सिर्फ काम के वक्त जो कुछ थोड़ा बहुत बेहतर लगना चाहिए होता है, अदरवाइज आई जस्ट कीप माय सेल्फ फ्री, क्योंकि इस यहाँ पे रहते हुए आपको पता है आपने बालों पे स्प्रे करना है, जेल्स लगानी है, मुंह पे मेकअप लगाना है, तो मैं शुक्र करता हूँ जब ये चीजें खत्म होती हैं, तो जस्ट फील इजी कि यार बाल धो के क्लेंजिंग करते हो प्रॉपर जिस तरह बाकी लोग भी करते हैं। समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई थिंक यू बेटर डू इट एवरी डे, क्योंकि अच्छा ये मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो कह रहे होते हैं करनी चाहिए, लेकिन नहीं नहीं लड़कों को जिस तरह लड़कियां अपना ख्याल रखते हैं, लड़कों को ये नहीं है कि आपने, क्योंकि मेकअप में केमिकल्स हैं, आपने केमिकल्स लगाए हैं, अब वो आपका फेस जो है खराब हो सकता है, और जितना हम लगाते हैं उसे तो हो ही सकता है। बिल्कुल, एक एंकर तो उन्होंने मुझे एक दफा कॉल किया, उन्होंने कहा मैं दुनिया जहां के डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दिया कुछ नहीं हुआ, क्या करूं? मैंने कहा ये बताओ क्लेंजिंग करते हो? तो उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा बस उसको मैंने प्रोडक्ट्स लिख कर दिए, मैंने कहा ये करो क्लेंजिंग प्रॉपर करो। अल्लाह का शुक्र है मैं इतना ज्यादा उस पे तवज्जो नहीं भी देता, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे, इतना मसले होते नहीं है स्किन को लेकर। मेन चीज मुझे लगता है कि आप वाटर इनटेक अपना ठीक रखें, साफ सुथरा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और कोशिश करें कि आप फल जो है ना वो खाते रहें, फ्रूट्स खाते रहें, तो उससे मुझे लगता है कि आप बेहतर रहते हैं। डाइट एक्सरसाइज दोनों चल रही होती है, दोनों का ख्याल रखते हैं, इसलिए अंडे ज्यादा पसंद है। अंडे तो अंडे इज लाइफ, गुड प्रोटीन है, आप खाते ही होंगे, जी जी, जिम के लिए तो बहुत अच्छा होता है, उसकी भी बड़ी मजे मजे के सैलड और सब कुछ मिलते हैं। तुम क्या क्या बना लेती हो वैसे? सब चीज़ मेरा बेटा आजकल जिम करने के लिए वो भी कहता है मुझे डाइट खाना चाहिए, वो सैलड खाते हैं, नहीं खाते हैं वो सैलड, नहीं इतने आज सच नहीं खाते, सैलड नहीं खाते, वो उनको प्रोटीन का शौक होता है, बेसिकली जिम जा रहे होते हैं ना वो प्रोटीन ज्यादातर जो है ना वो मांग। अच्छी बात है अगर आजकल के हमारे बच्चों में ये ट्रेंड आ रहा है तो ये ज्यादा अच्छी बात है, हमारे शहरों में ग्राउंड तो बहुत ही कम में है ही नहीं, तो कम से कम जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा आप एक्सर्ट कर सकते, वहाँ पे चलने को और वो पराठे कहाँ चले गए? जैसे आप इमरान अभी कह रहे थे गैजेट्स, गेम्स, फोन पे, जैसे लाइक डे बिफोर यस्टरडे मेरा बेटा अपने दूसरे बेटे अपने कजन के घर गया था, तो उससे बातें कर रहा आईपैड पे, तुम जाओ इधर से भागो इधर से, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, पता चला दे आर प्लेइंग अ गेम कॉल पबजी, फर्स्ट एड कर दूं तुम्हें, हॉस्पिटल ले जाऊं, मैं परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब हम चोर पुलिस और टीचर, हम लोग सारी एक जमाने में खेलते थे जब रमजानों में, मुझे याद है इतने मजे से, एक जॉयस्टिक होती थी उससे पूरा घर लिया। आई फील लाइक आउटडोर गेम्स अभी भी होने चाहिए, बड़ों के लिए भी होने चाहिए,
बने हुए होने चाहिए। तो अच्छा, आप तो जहाँ रहते हो आपको माशाल्लाह से घर भी ऐसा है कि जहाँ पे बाहर बड़ा सहन और खुली खुली जगह है, तो आप भी गेम्स खेलते हो बच्चों के साथ या इनके माशाल्लाह तीन प्यारे प्यारे बच्चे? आपको सच्ची बात बताऊँ नाजिया, हमारे ये होता है कि जब रमज़ान आते हैं ना तो इबादत तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ टेनिस कोर्ट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, फुटबॉल के लिए हमारा बहुत बड़ा एरिया है तो फुटबॉल के लिए पूरा एक वजह सफाई शुरू हो जाती है। आपके गली में वो क्रिकेट का कुछ बना है मैदान या नहीं? अभी साथ थोड़ा सा दूर है लेकिन मैं जहाँ पे ऑफिस में जाता हूँ, जैसे मैं रेडियो शोज करता हूँ वहाँ पे रात को मैं जाता हूँ, लेट नाइट हम आते हैं 2-2 बजे 3-3 बजे, लगता है दिन का टाइम है बिल्कुल क्रिकेट खेल रहे हैं। और रमजान में कराची की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि स्ट्रीट क्रिकेट बड़ी ऑन हो जाती है, और में भी होती होगी रात में जो है काफी ज्यादा जो है ना ये है कि रौनक बहुत हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी हम जा रहे हैं 12 बजे निकले क्योंकि मैं शो करके जाती हूँ थोड़ा सा आराम करते हूँ, फिर मैं कहती हूँ अगर आउटिंग या कोई सौदा उदा लेना तो बाद में रात में चलते हैं ना, तो कहते हैं सब बंद हो गया होगा सब बंद है, कहा नहीं आप चले तो सही रात में ही तो रौनक इस दफा होती है। आजकल सहरी ट्रेंड बहुत हो गया, रात में लोग सहरी अफ्तारी से ज्यादा सहरी प्रेफर करते हैं। सहरी ज्यादा क्योंकि अफ्तार पे ज्यादातर ये होता है कि फैमिली में आपका होता है या फैमिली में आप जा रहे होते हैं, अच्छी जगहों पे आपको जगह भी नहीं मिलती, यू डोंट फाइंड टेबल्स, अच्छी जगहों पे आपको टेबल्स नहीं मिलते। अच्छा पहले हम लोग बहुत इफ्तारियों में जाते, वैसे मैं बहुत सारे इफ्तारी ट्रेंड्स को देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत नहीं है, मतलब ऑन अ लाइटर नोट में कह रहा हूँ, इतने लोग बाहर अफ्तारियां कर रहे होते हैं कि आपको टेबल्स जो आपको आम दिनों में आप शाम की चाय के साथ कुछ नहीं खा रहे थे आप अफ्तारी में माशाल्लाह से बहुत अच्छी अफ्तारी कर रहे होते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह होता है हमारे जो लोग इफ्तारी करते भी है ना वो फिर ये कि वो लोगों तक इफ्तारी पहुंचाते भी, हमने ये भी देखा है कि पूरे पूरे ट्रेंड बने हुए हैं कि इफ्तारी वो रस्ते में। ये देखेंगे मैंने जो है जो थी पहले अंडे में इसको मैंने कोट किया, फिर मैदे में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में, ठीक है इसको मैंने सारा जो है इसने ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिया है। अब मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल डालूंगी और शैलो फ्राई करेंगे लेकिन वो अंदर से खुद ब खुद वो कुक जाए तो जरा टाइम लगेगा मैदा और इसको अंडे को भी पकने में, तो जितनी देर में वो पकेगा उतनी देर में, और ये हैवी फ्लैट है ना तो आप इसे उसमें बना सकते हैं फ्राइंग पैन में। हाँ मैं तो कहती हूँ ज़्यादा कोशिश किया करें डीप फ्राइंग से बचें, शैलो फ्राई पे जो भी बनाए ऑयल का जितना भी इस्तेमाल है हमेशा शैलो फ्राई पे रखें। इतना इतने में तो एयर फ्रायर इतने चल रहे हैं, एयर फ्रायर आपने यूज किया कभी? हाँ, कैसा मैंने लिया भी है बहुत अच्छा है, और इसमें समोसे वगैरह सब बन जाते हैं, समोसे रोल्स ड्रमस्टिक सब बन जाती है एक्सेप्ट पकौड़े नहीं बनते, पकौड़े नहीं बनते बाकी सब चीजें बन बाकी सब बन जाते। अच्छा, पकौड़े भी बन जाते हैं, वो वाला स्प्रे वाला ले लें, ऑयल ले लें, ऑयल से वो आप उसको स्प्रे वो करते रहे स्प्रे करते रहे और बहुत अच्छा है डाइट के लिए भी बहुत अच्छा। तो ये तो घर में होना चाहिए इसका मतलब एयर फ्रायर अगर आपको अच्छी डाइट और बहुत आसानी हो गई है जैसे माइक्रोवेव मुझे लेकिन थोड़े टाइम में अभी आजकल बहुत प्रमोशन के लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो शायद वो लेकिन आजकल प्रमोशंस बहुत चली हुई है चली हुई है बहुत सारी कंपनी भी चल रही है क्योंकि मैंने कहा नहीं इतना महंगा मैं नहीं लेने वाली मैं आपको उनकी जाकर भेज दूंगी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैमिली को मिस करते हो यहाँ सेकंड वो है रमजान आपका यहाँ पर ये मेरा दूसरा रमजान तो कैसे फैमिली को मिस कर रहे हो घर जैसी बात तो कहीं पे भी नहीं होती अम्मा के खाने वगैरह खास तौर पे और मैं आपको बताऊँ मुझे अफ्तारी बाहर करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है बाहर अवॉइड करता हूँ अफ्तारी तो यहाँ पर क्या अफ्तारी करते हो यहाँ पे तो मैं खुद करता हूँ कुछ ना कुछ नॉर्मली तो मैं आई जस्ट यूज टू ऑर्डर थिंग्स ये मंगा लिया वो मंगा लिया और कुछ मैं फ्रोजन स्टफ ले आता हूँ जो मैं खुद फ्राई भी कर लेता हूँ और कभी दोस्तों की तरफ चले गए उनके साथ मिलके कर ली इस तरह से चल जाता है सिलसिला लेकिन नॉर्मली मुझे यहाँ पे भी बाहर अफ्तारी करना पसंद नहीं है मतलब इवन अपने घर के ऊपर जैसा भी है कैजुअली यू मेक यू नो जूसेस वगैरह आप ले लें कुछ ऐसा ले लें जो आपको थोड़ा ज्यादा भारी भी ना करे और घर पे कंफर्टेबली होता है बाहर जरा आई डोंट फील कंफर्टेबल। अच्छा मुझे भी होता है बाहर आपके पता है तो इतना ज्यादा खाना होता है कि आप सब जनों ये हो जाते हैं कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा खाना खाएंगे तो उसका होगा क्या हशर क्या होगा ये वाली बात हो जाती है तो अपने हशर को जो है ना ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत हो जाती है। अच्छा एक एक तो ये चीज हो जाती है कि आपने जो है इफ्तारी जो है आपकी लाइट रिमोट की है शहरी पे फिर क्या करते हैं? मैं अफ्तारी एज ऑफ टोल्ड के लाइट अफ्तारी और शहरी में कम से कम शहरी बंद होने से मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 घंटे पहले तक कर लूँ। अच्छा क्योंकि शहरी करके जब आप सोते हैं तो उसका बड़ा ही बुरा कोई आपकी सेहत पे असर होता है वो आपकी जो हेल्थ रूटीन होती है उसको डिस्टर्ब करता है शो भी करना हाँ शो कर वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है बंदा ना बिल्कुल बिल्कुल तो और पानी वाटर मेरा जो रमजान पूरा गुजरता है मैं देखने वालों को बताऊँ कि वो पानी के ऊपर गुजरता है मैं पानी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हेल्थ टिप्स देंगे आप दोनों को बल्कि मैं कहूँगी हेल्थ टिप्स यार पानी तो इतना पिए कि आपका दिल नहीं भी करा तो पिए उससे आपको रोजा कभी तंग नहीं करेगा भूख की वजह से लोग कभी रोजे से परेशान नहीं होते पानी और अगर आपकी बॉडी नीट
पानी के लिहाज से पूरी है तो आई थिंक रोजा आपको तंग नहीं करता, इट्स गुड। सबके घर का अलग ट्रेंड होता है, हमारे घर का ये ट्रेंड है कि हम एक डिश बनाते हैं अफ्तारी की, किसी दिन पकौड़े बना लिए, किसी दिन रोल्स बना लिए या लज़ानिया बना लिए, लेकिन हम डायरेक्ट खाना खाते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ के लाइक वो मैंने आपको मिंट लेमनेड बोला, हा। कभी वो बना लिया, कभी दूध सोडा टाइप बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट हल्की सी इफ्तारी की और फिर नमाज पढ़ के जो है नमाज सीधा खाना था। खाने में भी ऐसी चीज़ें, आलू गोश्त हो शोरबे वाला वो अच्छा लगता है रोटी के साथ, चावल हो पुलाव टाइप और बिरयानी, इस तरह अच्छी लगती है हल्की फुल्की चीज़ें। ऑलराइट, तो ये जो है ये एक ये भी अच्छी बात है कि खाना जाने वाले लोग होते हैं ना ख्वातीनों हज़रात, उनके लिए भी मेरे ख्याल में यही ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लाइट इफ्तारी करें, गो टू योर जिम 11-12 बजे आप वापस आए एंड देन टेक योर मील एज योर सहरी एंड डिनर टुगेदर, साथ ही खा लें, उससे आप एक तो अच्छा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे और दूसरा ये कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर आज देखें डाइट वाला नहीं बन रहा लेकिन हम खाएंगे, जब मैं कुछ बनाती हूँ ना बहुत जरूर डाइट की बात हो रही होती है ना, और वहाँ मैं चुप कर जाती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ, सबसे पहले मुझसे पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम आपको बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इन्होंने यही कहा कि पकौड़े भी बनते हैं तो ठीक है बन सकते हैं, पकौड़े तो चलता है एक आप डिश बना, लेकिन ये नहीं कि आपने जो है देखिए आपने एक डिश बनाई ना अभी हम मजे से खाएंगे, अब ये नहीं कि वहाँ पे पकौड़े भी हो, समोसे भी हो, चार रोल भी रखे हुए हैं और फिर आपने जो है ये चिकन पॉकेट्स भी रखे हुए हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप थोड़ी इफ्तारी करें। और इफ्तारी में जब आप खाने बैठते हैं तो आपको समझ भी नहीं आती कि आप कितना खा रहे हैं, बिल्कुल पौने घंटे के बाद उसका असर होता है, और उसका असर होता है। फिर आप ये रखें कि जिस तरह हमने चिकन पॉकेट्स बनाए तो आपने पॉकेट्स में सारा भरकर पॉकेट में भर लेना है, भरकर नहीं लेकर खाना है, वो पेट अपना ये भी करते हैं कि वो शरबत वगैरह जो होता है या जूसेस वगैरह अगर वो इफ्तारी में लेते हैं तो वो इतने ज्यादा एकदम से तो फिर उनको भी बाजू का लोगों मैंने देखा है फौरन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट में दर्द हो गया, फौरन वॉक करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग इस हद तक होते हैं अक्सर वो कुछ मीम्स भी चल रही होती हैं पिक्चर्स ऐसी इफ्तारी के हवाले से लोग गिरे पड़े होते हैं, मेरे ख्याल में एतदाल इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज एक बैलेंस एक बैलेंस में आप इफ्तारी में बैलेंस वेरी एग्जैक्टली, मतलब सारी बात ही आपकी ये कि आपने सहरी इफ्तारी आप जितने भी चीज़ इसको बैलेंस तो करें लेकिन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएँ, इसका भी होता है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक रखें, उसने सलूक के साथ पेश रोज़ा रख के लड़े तो नहीं लोगों से एग्जैक्टली लड़े नहीं, लड़ाइयाँ नहीं हो, अभी तक नहीं नजर आई कोई भी, अल्लाह का शुक्र है अम्मी मुझे अभी तक नजर नहीं है, तुम्हें नजर आई है? नहीं, मैं लाइक शीशा वो एसी चला के अंदर ही बातें सुनाती आई, फिर लाहौल वाला पढ़ती आ रही हूँ कि अल्लाह मैं माफ़ कर देना मुझे, मैं अगर रोज़ाना पानी होगी वो असल में ये था कि साइकोलॉजिकल होता है, आप जब सर पे सवार करते हैं ना कि मेरा तो रोजा है तो फिर आप थोड़ा आपको होने लगता है, वे भी नहीं मिल रहा था शायद मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था इस वजह से मुझे जरा कराची में तो रोजे का मुझे लगता है डबल सवाब होना चाहिए, एक तो आपने रोजा रखा हुआ है उसका सवाब तो अल्लाह की तरफ से, दूसरा जो आप ट्रैफिक बर्दाश्त करते हैं उससे आप सब्र की भी आपको अच्छी ट्रेनिंग होती है, सब्र का भी जो बहुत दर्जा है इस्लाम में, अगर हम यही देखते हैं दूसरे इलाकों में जाएं स्पेशली इस्लामाबाद से आप हो तो वहाँ पर बड़े जो है ना तहम्मुल मिजाजी, बड़ा इवन लाहौर बहुत बेहतर हो गया, लाहौर की बड़ी अच्छी ट्रैफिक होगी, लाहौर की भी अच्छी ट्रैफिक है लेकिन फिर भी वहाँ पर रश जो है वो इतना ही है, मतलब रश बहुत ज्यादा है, नासिया कराची का तो ये कि ट्रिपल, मतलब यहाँ पर तो लोग ही माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है। अच्छा जी जी, और आप क्या बनाने लगी हैं? अब मैं बनाने लगी हूँ रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। ठीक है, इसमें क्या क्या डालेंगी? इसमें मैं डालूंगी बनाना और वनीला आइसक्रीम, रूह अफ़ज़ा, ठीक है, और दूध होगा। व्हिच आइसक्रीम? वैनिला आइसक्रीम। अच्छा, दैट्स ग्रेट, अच्छी स्मूदी बन जाएगी ना फिर ये, लेकिन रूह अफ़ज़ा के साथ। रूह अफ़ज़ा इसका ना, ये है रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम शेक, रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम शेक है, और एक अच्छी बात रूह अफ़ज़ा की यही है कि आप देखें इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ज़हनी और आपको जिस्मानी ताकत देते हैं, इसमें कोई शुगर ऐड नहीं की जाए, अफ़ज़ा आपकी अफ़ज़ाइश हो जाती है, और शुगर नहीं है तो ये डाइट जिनको डायबिटीज वगैरह है क्या वो भी ये पी सकते हैं? यार ये मैं डॉक्टर नहीं, उसने मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें आइसक्रीम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे मीठा नहीं ले सकते ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम में शुगर है, आइसक्रीम अवॉइड करते हैं तो वो मेरे ख्याल में वो नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज जो नेचुरल फ्रूट है या जो नेचुरली होती है ना वो फिर भी आपकी जो है उस, क्योंकि वो जल्दी डिसॉल्व भी हो जाती है, मतलब आपके वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, मतलब इस तरह के आपका इंस्टेंट आपको नहीं मिलेगा लेकिन वो एक अच्छे गुड शुगर के तौर पे आपके जिस्म में जाएगा। तो ये जो होते हैं जो आर्टिफिशियल शुगर होते हैं, जिसे हम शुगर शुगर कहते हैं, ये आर्टिफिशियल शुगर होता है तो वो आपकी सेहत के लिए नेचुरली अच्छा नहीं है, तो कोई भी नेचुरल शुगर है ना वो अच्छा है। इवन आपका कार्ब्स में भी यही कहते हैं, जो नेचुरल कार्ब्स है वो ज़्यादा अच्छे हैं, पोटैटो है ज़्यादा अच्छा कार्ब्स है, इतदाल है जो भी। अच्छा, ये जो है मैंने इसमें चार केले,
और 2 कप वनीला आइसक्रीम के डाले हैं, ठीक है, और 2 बड़े ग्लासेस जो हैं मैंने दूध के डाले हैं, और इसमें डाल दिया, ठीक है। और अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास आइसक्रीम अवेलेबल ना हो तो हम क्रीम डाल सकते हैं? जो आइसक्रीम एक्चुअली वो जो है ना क्रीम एक अलग वो हो जाता है, ओके, आइसक्रीम आपको पता है कि वो अलग एक टेस्ट है, तो वो टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, डिफरेंस आप आएगा। हाँ, अगर आप क्रीम डाल रहे हैं तो साथ में या तो फिर कंडेंस मिल्क किसी फ्लेवर का ऐड कर लें, कंडेंस मिल्क भी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, सही है। और इजाज़त भी ले लेंगे अब हम? अच्छा जी, इजाज़त भी ले लें, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने बनाया आज रेसिपीज़ भी। थैंक यू इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश तशरीफ लाने का। थैंक यू राबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जब एग्जीबिशन होगी हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे देखेंगे भी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद है ज्वेलरी के हिसाब से। और नाज़रीन, अभी हम जाएंगे ब्रेक के, जाएँ ब्रेक के बाद जो है आप इफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा, इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी के बाद हमारे साथ एक ऐसे मेहमान होंगे जिनके साथ आपको भी मिलने का दिल करेगा। तो अभी ब्रेक की जानिब जाते हैं और सरप्राइज रखते हैं उन मेहमानों के हवाले से, आप हमारे साथ ही रहें।